अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ CS201 एंड नाउ वी विल मूव लेक्चर नंबर 4। बट हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सैम्पल प्रोग्राम एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट। अभी तक हमने सी आउट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आज के इस लेक्चर में हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं और इसको किस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, उसके लिए आज हम इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली हमने क्या किया था कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे जिसमें हमने डेटा को स्टोर करना होता था। पर इसमें हम 10 स्टूडेंट्स की एज को होल नंबर्स के अंदर उनको जो है वो स्टोर करेंगे। लाइक होल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, 10, 12, 15। सो इसके लिए हम जो डेटा टाइप है वो यूज़ करते हैं इंटर डेटा टाइप। ठीक है, द वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन आर प्रोग्राम विल बी एज फॉलो। ये हमने देखा था कि जब हम कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते हैं उसके लिए हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इनको हम अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप कर दें इंट एज, यहाँ पे इसको आप सेमीकोलन लगा दें और इंट एज एज टू सेकंड लाइन पे लिख दें, इंट एज थ्री थर्ड लाइन पे, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इनको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इनिशलाइज कर सकते हैं। बट इस तरह से डिक्लेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वी हैव डिक्लेयर्ड ऑल द 10 वेरिएबल्स। हमने क्या किया है जी, इस एक सिंगल लाइन में 10 वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर दिया है बाय यूजिंग अ कोमा सेपरेट। इनको सेपरेट करने के लिए हमने एक कोमा यूज़ किया। दिस इज़ ये एक शॉर्ट मेथड है डिक्लेयर करने का वेरिएबल्स को जो सेम डेटा टाइप्स के हों। अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स के होंगे, फॉर एग्जांपल इंट एज है और उसके बाद स्ट्रिंग हम नेम के लिए यूज़ करते हैं, करेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम सेकेंड लाइन में डिक्लेयर करते हैं अगर हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती। तो नेक्स्ट हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है जी, हमने स्टूडेंट्स की टोटल एज और एवरेज एज मालूम करनी है। अब टोटल, अब जब हम एवरेज फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम टोटल जो हमारी एज है उसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज एज आ जाएगी। ठीक है, फॉर द स्टोरेज ऑफ टोटल एज, टोटल एज को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टोटल एज के नेम से, और एवरेज एज को स्टोर करने के लिए हम डिक्लेयर करेंगे एवरेज एज के नेम से। यहाँ पे हम दोनों को एक ही लाइन में डिक्लेयर करते हैं, इंट टोटल एज और एवरेज एज। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमने as we have declared averages in as int data type, so it can store only whole numbers। इसमें whole numbers ही store होंगे, इसमें हम decimal points number को जो है वो declare नहीं कर सकते int data type में, और decimal points के लिए हम float data type use करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी declaration होगी। हमने declare कर दिया कि 10 students हैं, उनकी इंट एवरेज एज और टोटल एज उनको हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम सी आउट लिखेंगे स्क्रीन पर डबल कोटेशन के अंदर, सी आउट मतलब कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो सी आउट हम ऑटोमेटिकली जो हमारी कंपाइलर से आउटपुट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम इसको करेंगे प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, वो शो सिंपल टेक्स्ट लाइन ऑन द सीन ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग स्टेटमेंट। हम लिखेंगे स्क्रीन पे सी आउट प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। अब ये क्या करेगा कि ये सिर्फ जो हमने डबल कोटेशन के अंदर ये हमारी जो लाइन है ये इसको स्क्रीन पर क्या करवा देगा, शो करवा देगा। ठीक है, अब एज क्या है फर्स्ट स्टूडेंट की, वो कहाँ से लेनी है और किस तरह लेनी है, तो ये हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसके नीचे सी आउट प्लीज़ एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, उसके नीचे हम ये वाली लाइन जो है इनिशलाइज कर देंगे। सी इन
और जो ये वाला साइन है ये हमारा क्या डिक्लेयर कर रहा है, डेटा का फ्लो किस तरह से हो रहा है, कि डेटा आ किस तरह से रहा है, ये उसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इसके नीचे हम इसको राइट कर देंगे सीन एज, एज वन मतलब कि ए स्टूडेंट वन है जो उसकी एज, तो और या भी हमने खुद से राइट करनी है, चाहे हमको इसको 20 लिखते हैं 30 लिखते हैं, वो तो वो इस हिसाब से जिस जो हम राइट करेंगे तो उस हिसाब से वो हमारी जो है वो आउटपुट आएगी वहाँ पे। तो सी इन, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे सी इन एज वन है, सी इन इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ द सी आउट, ये इसका काउंटर पार्ट है, एमसीक्यूज़ के तौर पर आपको आ सकता है। हेयर सी इन इज़ द इनपुट स्ट्रीम एंड डैट गेट डाटा फ्रॉम द यूज़र, एंड जिसने डाटा कहाँ से लिया, यूज़र से लिया है और उसको वेरिएबल को असाइन कर दिया है। और ये जो साइन है हमारे पास ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ डेटा की, कि डेटा हमारे पास किस तरह से आ रहा है। और जब हम सी आउट लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब कि हम ये कंपाइलर से हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, अब हमने ये बात कर ली, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे, व्हेन सी इन स्टेटमेंट इज रीच्ड इन प्रोग्राम द प्रोग्राम स्टॉप एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट, जब वो सी इन पे जाएगा तो वो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, चाहे उसके आगे वो प्रोग्राम हो, उससे पहले वो प्रोग्राम एक्सक्यूज मी चाहे उससे पहले प्रोग्राम जो है वो मूव हो रहा हो, बट तब तक यूज़र जो है वो इनपुट नहीं डालेगा तब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो नेक्स्ट आगे मूव नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद सी इन एज वन इज़ एग्जीक्यूटेड द, उसके बाद हम डेटा जो है उसको पुट करेंगे, उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे, जब जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी सी इन का जो जो हमने वैल्यू वो उसको असाइन हो जाएगी एज वन जो है उस स्टूडेंट को, ठीक है। ओके, यहाँ पे उन्होंने कुछ वो बताई हुई है कि अगर हम इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो हमें जो है वो एरर देगा, इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट एक्स प्लस वाई 3+y ये एक, इसको हम C++ में यूज़ नहीं कर सके, इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। और इसी तरह से जो है सिमिलरली वी कांट हैव एन एक्सप्रेशन आफ्टर द सी इन आफ्टर द साइन, और इस साइन के बाद भी हम कोई एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। सो वी कैन वन वी कैन हैव वन एंड ओनली वन वेरिएबल आफ्टर साइन, फॉर एग्जाम्पल सी इन एक्स, इसके बाद हम सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑपरेटर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए अगर हम इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे मतलब कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो है अर्थमेटिकल एडिशनल ऑपरेशन जो है वो यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट, अब हमें क्या ज़रूरत है कि हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की एज को, एक इंट वेरिएबल है, उन उनकी टोटल एज को जो है वो स्टोर करवाना है। उसके लिए हमने क्या किया था, एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया था टोटल एज के नेम से, ठीक है, और वो हमने इसीलिए जो है वो डिक्लेयर किया था कि हमने टोटल एज को जो है वो स्टोर करना है। फॉर दिस पर्पज वी राइट दिस स्टेटमेंट, अब इसको हम स्टोर करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से लिखेंगे, टोटल एज, यहाँ पे हमने टोटल एज एज वन प्लस जितने भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उन सबको यहाँ पे प्लस कर दिया है, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड यूज मैनी एडिशन ऑपरेटर्स, यहाँ पे बहुत सारे ये एडिशन ऑपरेटर्स हैं हमारे, ठीक है, और ये ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसेंट, द एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो एवेलुएट किया जाएगा। द फर्स्ट एज इज एडेड टू एज टू एंड देन द रिज़ल्ट इज़ एडेड टू एज थ्री, पहले इन दोनों को सम किया जाएगा, इनका जो सम है वो इसमें किया जाएगा, फिर इन तीनों का सम है वो फोर में किया जाएगा, तो ये इस तरह से लेफ्ट टू राइट जो है इसका फ्लो होता है, ठीक है।
अब उसके बाद हमने क्या किया था कि अब हमने एवरेज एज फाइंड करनी है, टोटल एज क्या थी, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे और टोटल एवरेज एज फाइंड करने का जो फार्मूला है हमारे पास, टोटल एज को 10 पे डिवाइड कर देंगे, मतलब जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स है अगर 20 होते तो हम 20 पे इसको डिवाइड कर देते, तो टोटल एज स्टूडेंट्स की तादाद हमारे पास कितनी है 10, तो हम इसको डिवाइड करने हमारे पास एवरेज एज आ जाएगी। अब हम इसको एवरेज एज को स्क्रीन पर शो करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले करने के लिए एवरेज एज को, उसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सी इन द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स इज एवरेज एज। अब इसको फाइंड करने के बाद जो भी हमारे पास एवरेज एज आएगी वो यहाँ पे, ये एवरेज एज यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया था और यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, तो ये क्या करेगा, इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे आके इसमें शो होगी। ठीक है, हेयर द स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इन द कोटेशन मार्क्स विल बी, जो हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं वो हमारे पास एज इट इज़ जो है वो शो होती है स्क्रीन के ऊपर। द कम्प्लीट कोड ऑफ द गिवन प्रोग्राम, यहाँ पे हमारे पास कम्प्लीट कोड दिया हुआ है, आप इसको अपने कंपाइलर पर अपने प्रोग्राम पर राइट करने की कोशिश करें, इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आती है, और अच्छे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड हैश इंक्लूड लेस देन iostream.h में मेन फंक्शन के अंदर हमारा सारा प्रोग्राम लिखा जाता है, और ये क्या है, डिक्लेरेशन है वेरिएबल्स की, और किस तरह से इनको डिक्लेयर करते हैं, इनको अलग अलग लाइन में भी डिक्लेयर किया जा सकता है और इनको सिंगल लाइन में भी एक कोमा की वजह सेपरेट करके इनको डिक्लेयर किया जा सकता है। यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया इन टोटल एज और इन एवरेज एज। ठीक है, और अब उसके बाद हमने क्या किया जी, यूज़र से आउटपुट लेने के लिए सी आउट प्लीज़ एंटर द एज, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट वन, ये स्क्रीन पर एज इट इज शो करवा देगा, और सी इन हम यूज़र से डेटा टाइप जो है वो लेने के लिए आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, तो जब हम एज स्टूडेंट की एज की स्टूडेंट वन की एज एंटर करेंगे उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो एंटर की प्रेस करेंगे, देन हमारे सेकंड ये वाली शो होगी, फिर हम ये एंटर करेंगे, फिर उसके एंटर की करेंगे तो फिर ये शो होगी, उसके बाद एज थ्री हम पुट करेंगे मतलब कि जो यूज़र है वो, फिर उसके बाद एंटर की करेंगे तो हमारे पास ये वाली आउटपुट शो होगी, तो सो ऑन, इस तरह से सारा 10 तक हमारे पास ये प्रोसेस चलेगा। अब क्या है, कैलकुलेट द टोटल एवरेज एज, अब जितने भी हमारे पास जितनी भी हमने एज जो है वो एंटर की है और टोटल एज के अंदर वो उन सबको सम कर देगा, और एवरेज एज उसके बाद जितनी भी हमारी टोटल एज आएगी जितनी हम एंटर करेंगे उसको 10 पे डिवाइड करके हमारी एवरेज एज आ जाएगी। और एवरेज एज को शो करवाने के लिए हमने इसको डिस्प्ले कर दिया, रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट एवरेज एज, और जितनी भी हमारी एवरेज एज आएगी वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, और हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आएगा, एंटर एज ऑफ स्टूडेंट वन इतनी है, मतलब कि ये आप अपनी मर्जी से भी जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये था CS20 लेक्चर नंबर 4 का फर्स्ट प्रोग्राम था। होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हुए होंगे, और अगर अभी भी कोई कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशंस का वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा बोरिंग भी होगी आपके लिए, तो ये नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत आसान है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अल्लाह हाफिज़।